देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी खेमों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा की आगुई वाली एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जोर शोर से प्रचार करने में जुटते हैं। दोनों अलग अलग राज्य में जाकर राजनीतिक दलों से समर्थन मांग रहे हैं और मुश्किल हुई यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति बनने की राह। जाने क्यों यूपी में लग सकता है बड़ा झटका। इस बीच विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। यहां समाजवादी कार्यालय में उनके लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान समाजवादी पार्टी और रालोद के सारे विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद कहा जाने लगा कि यूपी में यशवंत सिन्हा को बड़ा झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में विपक्ष की तरफ से जितने वोट मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल पाए हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। उससे पहले ये जानिए कि अब तक सिन्हा को कहां कहां से मिला समर्थन है। यशवंत सिन्हा को अब तक कांग्रेस, एनसीपी, टीएएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, रालोद, आरएसपी, टीआरएएस, डीएएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा, आरजेडी, केरल कांग्रेस एम जैसे कई दलों का समर्थन मिल चुका है। यशवंत के पास अभी करीब 3,89,000 वैल्यू के वोट है। केरल के छोटे बड़े सभी दलों ने यशवंत सिन्हा को ही समर्थन दिया है। ऐसे में संभव है कि यहां से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यहां एक भी वोट ना मिले। यूपी में समाजवादी पार्टी की आगुई में विपक्ष के कुछ दलों ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब सपा गठबंधन में शामिल रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से भी यशवंत सिन्हा को झटका लग सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि यशवंत सिन्हा के लिए आयोजित कार्यक्रम में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और उनके विधायकों को नहीं बुलाया गया। ओपी राजभर की पार्टी के 6 विधायक हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस कदम से नाराज चल रहे राजभर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकते हैं। इसके लिए अगले 1 या 2 दिन में वह ऐलान भी कर देंगे। धन्यवाद। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए एशिया।